हेलो एंड वेलकम टू फाइव फूडीज़। मैं हूँ अपराजिता और हम हेबेनारो के साथ हेबेनारो प्रोडक्ट्स का रिव्यू वीडियोस कर रहे हैं। इसमें आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें मैं हेबेनारो के प्रोडक्ट्स यूज़ करने जा रही हूँ। आज मैं अपनी रेसिपी में हेबेनारो की टोमेटो सालसा और पीरी पीरी सॉस यूज़ करने जा रही हूँ। हम मिनी टाको शेल्स बनाने जा रहे हैं, इसके साथ ही मैं उनके टॉर्टिया रैप्स भी यूज़ करूँगी। तो आइए देखते हैं इन मिनी टाको शेल्स को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने टॉर्टिया रैप लिया है जिसको हम ऐसे राउंड रोल्स में काट लेंगे किसी कुकी कटर की सहायता से या फिर किसी कटोरे की हेल्प से। उसके अलावा मैंने यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक लिया है, चॉप्ड अनियन एक छोटा, एक कटोरी उबले हुए राजमा, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, हेबेनारो की टोमेटो सालसा, हेबेनारो की ही पीरी पीरी सॉस, एक टेबलस्पून ऑयल। और टॉर्टियास को बेक करते हुए उस पर अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा बटर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम टॉर्टिया रैप लेंगे और इसके राउंड रोल्स काट लेंगे। ये मैंने एक कुकी कटर लिया है, इसकी हेल्प से हम राउंड रोल्स काट लेंगे। अब पूरे टॉर्टिया के ऐसे राउंड रोल्स काट लें। मैंने ये राउंड रोल्स काट के रखे हुए हैं। अब इन पे हम हल्का हल्का बटर अप्लाई करेंगे और इनको एक ओवन मफिन ट्रे में लगा के बेक कर लेंगे। हम अपने टॉर्टिया के राउंड रोल्स पे हल्का हल्का बटर लगा लेंगे। आप चाहें तो दोनों साइड पे हल्का हल्का बटर लगा सकते हैं। और इसके बाद इनको मफिन ट्रे के बीच में प्लेस करके बेक कर लेंगे। ये मैंने एक मफिन ट्रे ले ली है, इसके हम कैविटीज में अपने टाको शेल्स को ऐसे प्लेस करके और अवन में 180 डिग्रीज पे 4 to 5 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे जब तक ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। ये आप टॉर्टियाज को इस तरह से प्लेस कर देंगे और फिर इन्हें बेक कर लेंगे। बेकिंग टाइम आपके अवन पे डिपेंड करेगा, 5 to 7 मिनट्स के बीच में वेरी करेगा। बहुत ज़्यादा इनको क्रिस्प मत कीजिए क्योंकि हम बीन्स डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा बेक करेंगे। मिनी टाको शेल्स की फिलिंग के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल देंगे। ये चॉप्ड गार्लिक है, अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं। पर मैक्सिकन फूड में गार्लिक का बहुत यूज होता है। गार्लिक इसको एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। गार्लिक थोड़ा सा सॉटे हो जाएगा तो हम इसमें इसके साथ ही अनियन डाल लेंगे। ये मैंने एक बहुत छोटे साइज का अनियन चॉप करके लिया है, इसको भी सॉफ्ट कर लेंगे। अनियन और गार्लिक हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट ही करना है। अगर आप फिलिंग को और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैं आज इसमें स्पाइसी करने के लिए इसे पेरी पेरी सॉस डालूंगी। ये हेबेनारो की पेरी पेरी सॉस है जो कि बहुत ही स्पाइसी है और इसको बहुत अच्छा एक टैंगी फ्लेवर देगी। ये फिलिंग आप पहले से बना के भी रख सकते हैं।
टैकोज को अलग से बेक करके रख लीजिए और फिलिंग बना के रख लीजिए, जब आपके गेस्ट आए तो उस टाइम इसको असेंबल करके आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी बनने वाला स्टार्टर है जिसकी आप प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बिलीव मी, आपके गेस्ट को ये स्टार्टर बहुत पसंद आने वाला है। हमारा अनियन थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें मैं बॉइल्ड राजमा डाल दूंगी। ये मैंने राजमा थोड़े से नमक के साथ बॉईल किए हुए हैं, इसलिए हम इसमें एडिशनल सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि राजमा बॉईल करते हुए थोड़ा सा नमक डाला हुआ है और सालसा और पेरी पेरी सॉस में भी नमक है। ये राजमा को हम थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें सालसा और पेरी पेरी सॉस डाल देंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून सालसा डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, अराउंड 1/4 टीस्पून, और साथ ही थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गैस ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और हमारी झटपट सी एक राजमा की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा करके हम टाको शेल्स में भरेंगे। हमारे सारे टाको शेल्स फिल होके तैयार हैं। इस पर हम थोड़ी सी सार क्रीम की ड्रिजल कर देंगे। ये मैंने सार क्रीम के लिए थोड़ी सी हंकर्ड ली है, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट और पेपर मिक्स किया है। और इसके साथ ही हम थोड़े से कोरिएंडर रख देंगे गार्निशिंग के लिए। और हमारे टाको शेल्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही यम्मी रेसिपीज़ के लिए देखते रहें 5 फूडीज़।